मोबाइल पाकर आप कैसा फील कर रहे हैं? तो मोबाइल के बारे में बताइए, आपको मोबाइल पाकर कैसा फील कर, कैसा चल रहा है मोबाइल? चल तो बढ़िया रहा है, पर इसमें कुछ डिसएडवांटेज। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप और टैबलेट का वितरण लगातार किया जा रहा है। अभी मैं दशरथ प्रसाद महाविद्यालय सलोन जिला रायबली में आया हूँ। आज यहाँ पर स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस स्कूल के प्रबंधक अभय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अभय मिश्रा जी, बच्चों के लिए स्मार्टफोन मिला, इसके लिए आप क्या कहें? बच्चों को तकनीकी और सशक्त रूप से मजबूत हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवा सशक्तिकरण स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण डीजी शक्ति के तहत बच्चों को तकनीकी रूप से मजबूत किया गया कि वो टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से क्या कहते हैं पढ़ने में, और पूरी तरह से क्या कहते हैं कि तकनीकी रूप से मजबूत होने के लिए मोबाइल दिया गया। किस सत्र का मोबाइल इस बार? 2023-24 का बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर। इसके पहले कितने सत्र का? इस बार कौन सा मोबाइल दिया गया? पिछले बार कौन सा दिया गया? सैमसंग मोबाइल दिया गया। स्मार्टफोन वितरण से ग्रामीणों में बहुत सारे बच्चे बच्ची ऐसे हैं जिनके पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में बहुत सारे बच्चियों भी मोबाइल स्मार्टफोन पा रहे हैं, बच्चे भी स्मार्टफोन पा रहे हैं, उनको डिजिटलीकरण में कितना बेनिफिट मिलने वाला है? डिजिटलीकरण के जैसे किसी के माता पिता आज तक उनके पास मोबाइल ही नहीं, और वो क्या कहते हैं जैसे हमारे यहाँ ही बता रहे हैं, जैसे बच्चों को सूचना ग्रुप के माध्यम से दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम। बहुत बच्चे ऐसे थे कि मेरे पास व्हाट्सएप, हमारे पास मोबाइल ही नहीं है एंड्रॉइड का। तो सरकार जैसे उनको एंड्रॉइड का मोबाइल दे रही, तो वो ग्रुप से तो विद्यालय की सूचनाओं से जुड़ जाएंगे। दूसरी चीज, जैसे देश प्रदेश की जो खबरें हैं उनसे जुड़ने के लिए वो मजबूत हो जाएंगे। कोई चीज पढ़ना है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं आज के समय में, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो उसी मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते। बहुत सारे बेनिफिट है स्मार्टफोन के। इससे पहले पिछली सरकार जो आई थी वो लैपटॉप भी बांटा था सन 2012 में। इसके बाद जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है लगातार स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांट रही। क्या टैबलेट भी बांटे गए थे आपके विद्यालय में? टैबलेट केवल पीजी के छात्रों को दिया जाता है, यूजी के छात्रों को स्मार्टफोन दिया जाता है, लेकिन पूरे लखनऊ मंडल में लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और रायबरेली, पांच जिले लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध है, जिनमें ये पहला महाविद्यालय है 2023-24 सत्र का जो बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को मोबाइल वितरित किया है। पांचों जिलों की बात कर रहा हूँ, पहला जिला है जो, पांचों जिलों में पहला विद्यालय है जो स्मार्टफोन दिया है प्रथम। ठीक है, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। सन 2021 से स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, और हर साल नए नए बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मोबाइल और स्मार्टफोन टैबलेट दिए जाते हैं। और इस बार यहाँ पर दिया गया लावा Z33। पिछली बार सैमसंग का मोबाइल दिया गया था। कुछ कॉलेज में स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, कुछ कॉलेज में टैबलेट दिए जा रहे हैं। फिलहाल कुछ अच्छी चीजें इस मोबाइल के बारे में है, कुछ बुरी चीजें भी हैं इसके बारे में। पहली चीज क्या है कि अच्छी चीज है कि बच्चों को स्मार्टफोन मिल रहा है, डिजिटल आधुनिकीकरण हो रहा है, उससे आगे बढ़ने का उनको मौका मिल रहा है। दूसरी चीज यह है कि आज के 5G के जमाने में बच्चों को अभी भी 4G मोबाइल दिए जा रहे हैं। पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूँ, पिछले 7-8 महीने से जियो 5G टोटली फ्री है, और आज 5G का जमाना है। अगर गवर्नमेंट बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कर रही है तो वो 5G मोबाइल प्रोवाइड करे। अगर बच्चों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो हर बच्चा पढ़ने वाला होता है, हर बच्चे क्लास लेते हैं, 1 से 2 क्लास लेने के बाद 1.5 GB डाटा खत्म हो जाता है। ऐसे में आज के समय में जियो 5G अनलिमिटेड चल रहा है, 5G का जमाना आ गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों को 5G मोबाइल प्रोवाइड करें। इस मोबाइल के बारे में चलिए मैं बात कर लेता हूँ। मीडिया टेक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसका, एंड्रॉइड 12 iOS है, और इसका फिंगरप्रिंट है, साथ में फेस लॉक है, 3GB इसका रैम है। इसका प्राइस 12,999 है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस इसका 5,500 है। चलिए मैं इसको पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ, एक मिनट इसको आइए, मेरी हेल्प करिए भाई। और सभी बच्चों के पास मोबाइल फोन होना चाहिए, स्मार्टफोन की ऐसी जरूरत पड़ गई है कि इसके बिना पढ़ाई होना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ इसमें क्या है। ये महीना है June 2024, ये मोबाइल फोन वितरण किया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले रहा हूँ कि क्या क्या मोबाइल में है, क्या क्या नहीं है। जो भी चीज़ है सब चीज़ ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ ऐसी बुरी लगी कि हाँ, आज के समय में 5G के ज़माने में बच्चों को 4G मोबाइल दिए जा रहे हैं। और मैं इसको भी यहाँ पर ओपन करके देख रहा हूँ, वैसे देखने में काफ़ी अच्छा है, 6.5 इसका इंच का डिस्प्ले है, और कैमरा इसका जो बैक है 8 MP है, सामने इसका फ्रंट 5 MP है, और ये मॉडल है LEX402। उन बच्चे बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और ये तो अच्छी बात है कि हाँ, इसमें डाटा केबल दिया जा रहा है, चार्जर दिया जा रहा है। आज के स्मार्टफोन में बहुत सारे मोबाइल ऐसे आते हैं जिनमें तो केवल डाटा केबल रहता है, अडाप्टर तो साथ में रहता ही नहीं, तो अडाप्टर भी दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। 4G मोबाइल है Z33। चलिए आइए कुछ बच्चों से भी बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? वनिता जयंत। रूरल एरिया में होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे बच्चियों के पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार मोबाइल प्रोवाइड कर रही है, तो बच्चियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस मोबाइल पाने के बाद आप इसमें क्या क्या यूज़ करेंगी? यूट्यूब और ऐसे पढ़ाई की जनरल नॉलेज कोई ऐप है। ये चीज़ तो बहुत अच्छी बोली है, जैसे सोशल मीडिया आपको मोबाइल मिल रहा है तो मैं ये बच्चों से मैं रिकमेंड करूंगा, तो इंस्टाग्राम फेसबुक थोड़ा कम रिकमेंड चलाया करें, यूट्यूब थोड़ा ज्यादा चलाया करें। यूट्यूब में हाउ टू जैसे वीडियो होते हैं नई नई, इसमें इनोवेशन आप खोज सकते हैं, मोटिवेशन मिलती है, बहुत सारी ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, और ऐसे ऐसे मेंटर हैं यूट्यूब पर जिसको आप अगर कोर्स परचेस करने के लिए जाएंगे तो आपको लाखों का कोर्स मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे आपको
फ्री में मिल जाएगा। मोबाइल पाकर आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका क्या नाम है भाई? सर नितिन तिवारी नाम। नितिन तिवारी जी, बताइए मोबाइल के बारे में बताइए, आपको मोबाइल पाकर कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मोबाइल आपको चलाने में कैसा लग रहा है? सर अभी तो मिला ही है, अब चलाएंगे आगे। देखने में तो काफी पतला है, काफी अच्छा है, लुक भी काफी अच्छा है इसका। जी सर, देखने में तो सर बहुत अच्छा है। चलिए इनसे बात करता हूँ। इधर ये छोटू, आपका क्या नाम है? हर्षवास्तव। आप कौन सा मोबाइल चला रहे हैं? चला रहे हैं सैमसंग का फोन, पहले वाला जो। देखो इस बार लावा का मोबाइल मिल रहा है, पिछली बार सैमसंग का मोबाइल मिला है, उसके बारे में आप ये चला चुके हैं तो आप बता सकते हैं कि मोबाइल कैसा, कितने दिन का मोबाइल हो गया ये? मोबाइल हुआ अभी डेढ़ साल। डेढ़ साल का, कैसा चल रहा है मोबाइल? चल तो बढ़िया रहा है, पर इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज क्या आप उसको बता सकते हैं? जैसे कि मतलब कोई ऐप डाउनलोड मतलब करना हो क्रोम से वगैरह वगैरह, हाँ। तो डिवाइस कंट्रोल है पहली बात तो, हाँ। आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आपके जितने प्ले स्टोर पे मतलब ऐप अवेलेबल हैं वही आपके वो डाउनलोड करने का मतलब है कि एपीके फाइल इसमें सपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया मोबाइल है और इस एपीके जो फाइल होती है वो क्रैक फाइल होती है, जो कहीं ना कहीं गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल की जाती है, वो इसमें सपोर्टेबल नहीं है। वो ना आईओएस में है ना इसमें है। वो आईओएस मोबाइल हो जाएंगे तो वो एपीके फाइल आपका सपोर्ट नहीं करेगा। ये है कि मतलब जैसे आपने वॉलपेपर आपने चेंज किया तो 24 घंटा बाद ये अपने आप अपडेट होकर फिर वही गवर्नमेंट का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई काम के लिए हम ऐप चालू करते हैं तो पहली बात तो उसमें वो अभी चुनाव हो रहा था तो बार बार वो आ जा रहा था कि मोदी का बटन दबाएं, ऐड आ जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोबाइल दिया गया तो उनके द्वारा ऐड ज्यादा आते हैं, इसमें आप लोगो नहीं चेंज कर सकते हैं, थीम और डिस्प्ले बैकग्राउंड आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आप में नेट चलता रहता है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई योजना स्कीम कोई चालू की जाती है तो वो बार बार दिखता है। जैसे चुनाव का समय आता है तो आपका कहने का मतलब है वो ऐड से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस मोबाइल प्रोसेसिंग के बारे में बता सकते हैं? मोबाइल प्रोसेसिंग कैमरा सब ठीक, नेट स्पीड कैसी है इसकी? लेकिन 4G है आप इससे? 3G मोबाइल है, 4G भी नहीं है? 4G भी नहीं है। तो आप तो ये बताइए पिछले साल इनके पास मोबाइल मिला था ये तो भाई 3G है, 4G होना चाहिए। तो चलिए 4G एक स्टेप गवर्नमेंट आगे बढ़ी है, लेकिन 5G मोबाइल होना चाहिए, ये तो मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर मोबाइल को आप पढ़ाई से लेकर यूज कर रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, अगर आप इसमें गेम खेल रहे हैं और रील्स देख रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो हार्मफुल है। तो मोबाइल आपको मिला है, इसमें बहुत सारे कोचिंगों के ऐप हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब है, उसमें कुछ भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो मोबाइल मिला है आपको उसी में खुश रहिए। अगर फ्री की कोई चीज मिल रही है तो बोलते हैं ना कि दान के बच्चे के दांत नहीं गिनते हैं। अगर आपको 4G ही मिला है तो उसमें ही संतुष्ट रहिए। के पास मोबाइल नहीं है ग्रामीण में, गांव बच्चों के पास, उनके पास तो मोबाइल हो जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिनके पास मोबाइल नहीं है। बिना मोबाइल के आजकल कुछ हो नहीं सकता है। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन हो जा रहा है वो सारे बच्चे सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ उसमें अपना हुनर दिखाया करें या काम किया करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं उसमें से 1 से 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहें, इससे एक ये बेनिफिट है कि आपको कहीं ना कहीं नॉलेज गेन हो रहा है। नॉलेज शेयर करने से कहीं ज्यादा बढ़ता है। तो उसको 1 से 2 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें, हो सकता है वो वीडियो बच्चों को पसंद आने लगे और आपकी भी वीडियो देखने लगे, तो उससे कहीं ना कहीं लोग आपको जानने लगे, कल आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका नॉलेज गेन हो सकता है। तो मोबाइल मिला है, आप इसका यूज करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिन जिन बच्चों को मोबाइल मिला है उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।